दिस 30-acre फार्म बिलोंग्स टू बलकर सिंह। यहाँ से लेके ऐसे करके वो सामने जो मेड़ दिख रही गेहूं की। For generations, his family has been growing wheat, paddy, and sugarcane here in Bareilly, a rapidly growing city in Uttar Pradesh. और जो चना है, चना ये वाला चना है, और ये मसूर है, ये वाली, ये व्हाइट वाली, ये वाली मसूर है। But with an economy that is primarily agrarian, like most farmers in the region, Bulkar has been dependent on fertilizers. फर्टिलाइजर में तो ये पहले नीचे DAP पड़ती है इसके बुआई के साथ में, और उसके बाद में 35 दिन के बाद में जो है वो यूरिया पड़ती है, और 3 बार यूरिया लगानी पड़ती है गेहूँ में, और ऐसे ही धान में भी 3 बार लगानी पड़ती है, और गन्ने में भी लगानी पड़ती है। उसी हिसाब से वो उसकी डोज जो है कम से कम नहीं तो 150 से 200 किलो तक की है। The detrimental effects of chemical use on his land, however, hasn't escaped him. Fertilizer से तो है ही ज़मीन में जो है दिन के दिन जो है खुश्की होती जा रही है इसमें ज़मीन, जो उपजाऊ भी कम होती जा रही है, और इसमें जो है ज़्यादा पानी की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है इसमें, कि उसके पानी ज़्यादा चाहिए उसमें, जितनी ज़्यादा यूरिया लगती है उतना ही ज़्यादा पानी भी उसमें लगाना पड़ता है। Over the last year, however, Bulkar has been trying to reduce his dependency on chemicals and slowly transitioning to more sustainable practices. Today, he happens to be amongst the first few farmers in Bareilly who are opening up to vermicomposting, the process of composting organic waste using earthworms. Vermicomposting is a biodecomposable process. क्योंकि इसमें आपने जो भी हमारे वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो डेयरी का है चाहे वो क्रॉप से है, उसको डिकम्पोज कराना है, और वो उसका जो फूड होगा दैट विल बी फूड ऑफ अर्थवर्म्स। जो अर्थवर्म होता है वो इन सारे बायोडिकम्पोजेबल चीज़ों को इंजेस्ट करता है, खाता है, देन उसके गट्स में कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और कुछ pH ऐसा होता है कि वो उसको खाने के बाद जिस फॉर्म में निकालता है, यानी कि उसका एक्सक्रीटा, वो एक्सक्रीटा ही वर्मी कंपोस्ट का नाम दिया जाता है। Earthworms have been long recognized as the living, breathing engineers of the underworld, playing a foundational role in our soil ecosystems, from improving soil structure, repairing soil quality, to recycling vital nutrients. In fact, nutrients recycled through worm excreta are said to contain 5 times more nitrogen, 7 times more phosphorus, and 1,000 times more good bacteria than the original soil. ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर ये कंटेंट अच्छा होता है क्योंकि ये एक फ्राइबल प्रॉपर्टी देता है सॉइल को, यानी भुरभुरा कर देता है, तो उसमें क्या होता है वो धीरे धीरे करके मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा देता है, यानी कि आपका लगने वाला इरिगेशन का पानी वो कम लग जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी बहुत बहुत इनक्रेडिबल अच्छे अमाउंट में होते हैं, तो एज ए होल सोर्स आप इसको ही अगर डाल रहे हैं तो हमें केमिकल्स पे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। When Pratik Bajaj, still a student then, decided to give up his plans for a career in chartered accountancy to take up vermicomposting, his parents weren't amused. Undeterred, he went on to enroll himself in a course on bio waste management, came up with his version of vermicompost, and managed to sell it. Today, the 28-year-old social entrepreneur from Bareilly collaborates with close to 1,500 farmers across the country, producing, selling, and training them in vermiculture. शुरू से ही मेरा नेचर से प्यार था, और क्या कहते हैं, केंचुओं से मैं शुरू से ही बचपन से खेलता था, लेकिन अब वो पता नहीं था कि भाई ये बिज़नेस भी दे सकता है मुझे। अभी की जो फैसिलिटी है, हम करीबन 100 टन महीने की खाद बना लेते हैं, तो करीबन हम साल भर की 800 से 1200 टन के बीच में हम लोग खाद बना लेते हैं यहाँ पर। वर्मी कंपोस्ट जो हमने शुरू किया था 2019 में शुरू किया था, और धीरे धीरे जब अपना डेवलप करते चले गए तो 2021 में किसान आना शुरू हुए इस चीज़ को देखते हुए। इनको लगता है कि अच्छी चीज़ है ये, लेकिन बस वो कीमत की वजह से उसे परचेस नहीं कर पाते थे क्योंकि कीमत ज़्यादा होती थी। तो धीरे धीरे उसके बाद हम लोगों ने उनकी कीमतों को जिस तरीके से हम लोगों ने कम किया, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र कम लगवाया और जैविक खाद को लगवाया, वर्मी कंपोस्ट को लगवाया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे परचेस करने लग गए और उनके रिजल्ट आने लग गए।
priced usually between 500 to 1500 rupees for a quintal. This can be an expensive investment for farmers. Realizing the need to address this, Prateek explains how his pricing of rupees 600 for a quintal had to be made comparable to the government set MRP of urea at about 550 rupees. फिर प्रैक्टिकल मुझे डेढ़ साल लगा, मैंने डेढ़ साल प्रैक्टिकल किया, इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली जो कहीं पर भी नहीं थी। अगर बारिश आ रही है तो बारिश से कैसे बचाएं, बारिश से क्या नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में आती हैं, तो ये हमने देखा, उसको सीखा। कई बार नुकसान भी हुआ हमें और कई बार हमें फ़ायदा भी हुआ उस चीज़ का जब हमने वो चीज़ करी। तो हमारी सोच शुरुआत से यही थी कि डेवलपमेंट करेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। तो डेवलपमेंट हमने चाहे किसान की कॉस्ट ना बढ़े उसमें किया, चाहे खाद की क्वालिटी में किया। The actual preparation of vermicompost seems to be fairly simple, where one needs to ensure that the pile of animal waste has adequate moisture and that it is always protected from extreme weather conditions. हम लोग जब वर्मीकम्पोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए आसपास सबसे हम पे क्या करते हैं, आसपास की जो डेयरी फार्म्स हैं उनसे हम गोबर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी गोबर हमारे पास आता है उसे हम क्या करते हैं, सीधे ही बेड बना देते हैं उसका। जो बेड की ऊंचाई होती है वो करीबन हम लोग रखते हैं 9 इंची। जो लंबाई होती है, बेड की ऊंचाई का मतलब गोबर की ऊंचाई, जो लंबाई होती है वो 30 फिट और जो चौड़ाई होती है 2.5 फिट। उसमें उसको हम करीबन 8 से 10 दिन ठंडा होने छोड़ देते हैं गोबर को। जब ठंडा हो जाता है गोबर तो ठंडा होने का मतलब है उसकी गैसेस रिलीज़ हो जाना। जब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो गैस अपने आप रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद हम उसमें हर से 2 से 3 दिन में पानी लगाते रहते हैं। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है उसके अंदर हम केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ का काम जो होता है, जब हम गोबर में केचुआ छोड़ते हैं तो ऊपर से एक लाइन बना के छोड़ते हैं। कई लोग मिसगाइड करते हैं कि आपने फैला दिए केचुआ को, नहीं फैलाना नहीं है, आप उसको एक लाइन बना के छोड़ेंगे। तो लाइन बना के छोड़ते हैं तो धीरे धीरे केचुआ उसमें अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। केचुए को उस हिसाब से एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। केचुए के जब उसे खाना शुरू कर देता है ऊपर से नीचे, हमेशा केचुआ ऊपर से नीचे की तरफ खाता है, और जब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो गैसेस नहीं बनेंगी, केचुआ आराम से नीचे भी जाएगा। अब केचुआ खाता कैसे है, केचुआ जब ऊपर से नीचे तक खाता है तो उसके पेट में एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स ही खाद की ताकत बढ़ा देते हैं। A batch of vermicompost could initially take about 90 days to be ready. But since earthworms multiply rapidly, this window tends to reduce over time. Training sessions seem to be a part of Prateek's business model. Charging 3,000 rupees for a session, he is known to have trained close to 1,000 students and helped set up about 190 plants across the country. 30 kilometers from Bareilly, sugarcane farmer Manpreet Singh owns one such facility. As compared to chemical, vermicompost jo hai apna bahut acha hai aur ye health ke liye bhi acha hai. Dusri baat paisa apni pocket friendly hai kyunki ye apne janwaron ke ghure se hi ban jata hai aur isme thodi si dhyan dene ki zarurat hai, bande ko free mein hi khad ban jati hai. और दूसरी साइड केमिकल को और यूरिया डीएपी वगैरह आजकल बहुत हाई रेट में मिल रही है सरकार की तरफ से और लोग अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं. अभी तो लोग देख के मजाक बनाते हैं, ये हकीकत है कि ये घूरे में लगा है, गोबर में लगा है. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपने रिजल्ट हमें कैसे मिलें, अपने घर की जो आटा रोटी दाल चावल है उसको हम प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Commercially, if considered, vermicomposting has proven to be profitable for India. As a country that is the largest exporter of vermicompost in the world. However, the numbers within India are far less impressive. In Bareilly, for instance, only 10 to 20% of farmers have adapted to this practice. The slow and scattered response, as Vani tells us, could primarily be attributed to the notion that it negatively impacts yield. Initially, क्योंकि हमारी soils जो हैं वो heavily feeding हो गई है इनकी fertilizer पे, तो initially थोड़ा reduction होता है yield में, तो इसीलिए ही हमें एकदम से switch नहीं करना है, हमें जो dose है वो धीरे धीरे कम करनी है. Amount of fertilizer को reduce कर दें और amount of vermicompost या जो organic manure है उसको increase कर दें, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा अडेप्ट हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, और फिर अल्टीमेटली आपका एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आप 10% केमिकल डालिए और 90% वो डालिए.
It can take a farmer 3 to 5 years to completely shift from chemicals to vermicompost in a phased manner. पिछली बार जो है गेहूं में एक एकड़ में यूज किया था हमने 600 किलो तो हमें उसमें काफ़ी अंतर नज़र आया उसमें और इसमें जो है पेस्टिसाइड भी कम लगा और इसमें जो है फर्टिलाइजर भी कम लगा तो इसलिए फिर जो हम जो है अपना अब शुरुआत कर रहे हैं अपना बना रहे हैं आगे आगे जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ऐसे धीरे धीरे उसको जो है बढ़ाते चले जाएंगे और उसका जो है पेस्टिसाइड का और उसका फर्टिलाइजर का यूज़ कम करते चले जाएंगे तो वो उसके ऊपर ही अपने आप निर्भर हो जाएगा फिर Study suggests that the consumption of chemical fertilizers in the country has almost doubled in the last 2 decades. While there is still a long way to go before vermiculture picks up as a viable alternative, Pratik is optimistic. आज के नेचुरल हम लोग देखते हैं कि भाई आजकल किसान हर चीज़ में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है तो वर्मी कंपोस्ट पे पूरी तरीके से आने में अभी काफ़ी सारा टाइम लग सकता है लेकिन अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो ज़्यादा टाइम में हम लोग नहीं लगेगा कि वर्मी कंपोस्ट से किसानों को ले आएँ उससे हमारी खेती को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि किसानों की जो बजट है जो वो भी कम लगेगा और दूसरी चीज़ क्या है कि किसानों की जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी और चीज़ कस्टमर को जो एंड यूज़र है चाहे वो धान का हो चाहे वो गेहूँ का हो उसको खाने में भी अच्छी चीज़ मिलेगी तो ये चीज फायदे हमें वर्मी कंपोस्ट के बहुत आने वाले टाइम में जरूर मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग इको इंडिया इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू scroll.in ऑन YouTube.